गाइस, कल्पना चावला एक ऐसा नाम जो आज तक ना तो कोई भूल सका है और ना भूल पाएगा। वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड इंजीनियर के तौर पर नासा के साथ काम करते हुए अंतरिक्ष में तिरंगा झंडा फहराकर पूरी दुनिया को भारत का लोहा मनवाया और गौरव बढ़ाया। कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई। कल्पना चावला ने उड़ान भले ही अमेरिका से भरी हो, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। वे दो अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा रहीं। यदि दोनों मिशन के दौरान उनके द्वारा अंतरिक्ष में आए गए कुल समय को जोड़ दिया जाए तो वह करीब 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट होता है। इस तरह उन्होंने अंतरिक्ष में यह समय बिताया और अपने सपनों को साकार किया। आज के इस वीडियो में हम कल्पना चावला के दोनों मिशन के बारे में जानेंगे और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर उस विमान में ऐसी कौन सी खराबी थी जिसकी वजह से भारत की बेटी धरती पर वापस नहीं लौट पाई। कल्पना चावला ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और टेक्सास विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई खत्म हुई। ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद 1994 में उन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। एक साल तक असेसमेंट के बाद रोबोटिक ब्रांच के ऑफिस में टेक्नीशियन इश्यूज के काम के लिए प्रो प्रतिनिधि के तौर पर कल्पना चावला को नियुक्त किया गया था। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की 15 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इस तरह कल्पना चावला के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 1997 में 19 नवंबर को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। ये अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली महिला थी। उनका यह मिशन 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। भारत के हुनर को पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की इस बेटी ने पूरी दुनिया के सामने भारत का परचम लहराया। सभी ने उनके इस जज्बे को सलाम भी किया। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था कि जब रात का समय होता है तो मैं फ्लाइट की लाइट कम कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से या इसके किसी विशेष टुकड़े से न होकर अब इसी सौरमंडल का ही हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी पहली उड़ान में लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा की थी, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर के बराबर था। कल्पना ने अंतरिक्ष में लगभग 372 घंटे का समय बिताया। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्हें स्पार्टन सैटेलाइट को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 2002 में कल्पना चावला को उनकी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया स्पेस शटल मिशन STS-107 में शामिल कर लिया गया। कुछ तकनीकी और अन्य कारणों की वजह से यह मिशन लगातार पीछे सरकता रहा और आखिरकार वह दिन आ ही गया। सबको इंतजार था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का आरंभ किया। यह मिशन 16 दिन का था। इस मिशन में कल्पना चावला को माइक्रोग्रेविटी का प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मिशन में क्रू मेंबर्स ने कल्पना चावला के साथ मिलकर 2 शिफ्ट्स में बारी बारी से 80 प्रयोग किए। 1 फरवरी 2003 की सुबह अंतरिक्ष यान कोलंबिया को वापस पृथ्वी पर कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम ताप को नियंत्रित करने वाला इंसुलेशन का एक अटैची के बराबर का टुकड़ा टूट गया था, जो जाकर रॉकेट की शटल पर टकरा गया, जो कि शटल को गर्म होने से बचाती थी। उसने उस विंग को नुकसान पहुंचाया जो कि री एंट्री के समय शटल का हीट से बचाव करती थी। जैसे ही शटल वायुमंडल में दाखिल होना शुरू हुआ, इसमें गर्म हवा भरने लगी जिसने शटल का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा दिया और शटल लुढ़कना शुरू हो गया और अंत में एक विस्फोट के साथ कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। जमीन पर उतरने से पहले शटल अमेरिका के टेक्सास और लुसियाना शहरों के बीच था। यह सब 1 मिनट से भी कम समय में हो गया और अंतरिक्ष यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्री याद बन चुके थे। यदि यह हादसा 16 मिनट और टल जाता तो सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित जमीन पर उतर आते। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को अमेरिका में नासा के प्रोग्राम मैनेजर ने यह खुलासा किया कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही यह पता चल गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री जमीन पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। बावजूद इसके उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। दरअसल नासा यह कतई नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात की पहले से
सूचना मिल जाए कि वे सबके सब मौत के मुंह में जा रहे हैं और कभी जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। अगर यह बात उन्हें पता चल जाती तो वो अंतरिक्ष में अपना अंतिम समय घुट घुट कर गुजारते। नासा ने यही बेहतर समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहें, मौत तो वैसे भी आनी ही थी। कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप इसे सिर्फ अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो और इसका आनंद नहीं ले रहे तो आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला के द्वारा कहे गए इन अल्फाजों को आज तक कोई नहीं भुला सका है। गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।